ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करने वाला हूं। तो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से वहां पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो बाकी चलिए गाइस आज की इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, एंड जो इसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। एंड गाइस आप सभी के जो मॉडल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मॉडल है आप सभी को गाइस किस टाइप में आपको फोटो क्लिक करवाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इस टाइप से जो आपको फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है। एंड इसका जो बैकग्राउंड वगैरह जो इसको भी रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग देख लेना वीडियो को। तो मैंने बैकग्राउंड मैंने पहले से रिलीज कर रखा है मॉडल का, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मॉडल को ऐड करूँगा, ठीक है। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को फिर करना क्या है, आप सभी को जैसे फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। अगर आपने कहा जगह से अगर मतलब 4:5 में अगर फोटो क्लिक करवाई होगी तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, वरना आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर आपको ऐड फोटो में जाकर बैकग्राउंड में से जो है ब्लैक कलर का ही बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको मूव डाउन कर देना है, एंड इरेजर टूल में जाना है। फिर इसको आपको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट कर देने के बाद आपको जो ब्रश का साइज है वो अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड उसके बाद हार्डनेस ओपेसिटी जो है वो भी कम कर सकते हो आप। एंड उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए होगी आपको वहाँ वहाँ पे पेंट करना है सिंपली, ठीक है। उसके अलावा और कहीं पेंट मत करना, नहीं तो अगर आपको यहीं और कर दोगे तो मतलब वहाँ भी ब्लैक कलर का जो है वो डॉट बन जाएगा। तो आपको जहाँ जहाँ चाहिए होगा आप वहीं वहीं पे पेंट करना। एंड बाकी जो भी शेडो वगैरह जो वो आराम आराम से बनानी है आपको। मैंने मतलब कि 2-3 वीडियो भी बना रखी है रियलिस्टिक शेडो के ऊपर, तो अगर आपको वो भी अच्छे से समझना है कि शेडो कैसे बनाते तो अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे वो वीडियो भी देख लेना। आपको उसमें भी मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो आपको वहाँ से जो है थोड़ा सा मतलब कि और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, तो आप वीडियो को जाकर देख लेना। बाकी गाइस अभी तो हम इसको करते हैं फटाफट, मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो बस शेडो वगैरह जब पेंट हो जाएगा आपको, तो उसकी जो ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फ्री का करना है। यहाँ पे आपको जो है आप फोटो को ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक काइट का पीएनजी मिल जाएगा। सो आपको सिंपली करना है कि आपको ऐड फोटो में जाना है। एंड इसको यहाँ पे ऐड फोटो में जाकर आपको उसका जो साइज़ है कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है। एंड साइज इस तरीके से रख के आपको जो है साइड में लगा देना है, ठीक है, कोने में। एंड उसके बाद आप सभी को फ्री का करना है। यहाँ से आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड आप सभी को जो है जो मतलब कि जो ये लाइन है मतलब मांजा जो है मांजा इसका जो पीएनजी ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सब मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है। तो आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। तो आपको हाथ में देखना आपको जो है कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो जैसे आप उसको फुल स्क्रीन करोगे तो उसके बाद आपको उसके यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस फुल कर देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन सबको इरेज कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे करना है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आप सभी को फ्री करना है यहाँ से, जो है मतलब कि आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि अब जो भी काम है हमारा वो लाइट रूम का है तो वो लाइट रूम ऐप में ही करेंगे हम। तो अब इसको हम लाइट रूम ऐप में ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको सिंपली करना है कि आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। आपको इसका कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ पे थोड़ा कम करना है, हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ करना है, शेडो जो है इसको यहाँ पे कम कर देना है मतलब थोड़ा सा बढ़ा देना है प्लस की तरफ। एंड उसके बाद जो ब्लैक्स हैं इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद कलर्स में जाना है। एंड आप सभी को फिर यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। फिर उसके बाद आप सभी को चले जाना है कलर मिक्स में, और कलर मिक्स में जाने के बाद आप सभी को फ्री करना है। यहाँ पे पहले ऑरेंज कलर लेना है आप सभी को, एंड जो इसका ल्यूमिनस है पहले इसको इंक्रीज करना है। और फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ से येलो कलर लेना है, इसका जो ह्यू है आपको उसको थोड़ा माइनस की तरफ कर देना है। एंड ग्रीन कलर जो है इसको आपको यहाँ पे प्लस की तरफ करना है, माइनस में करोगे तो येलो हो जाएगा जो हमारा तिरंगा जो है। तो इसका सैचुरेशन जो है हम इसको थोड़ा माइनस की तरफ करेंगे। एंड जो ल्यूमिनस है हम इसको थोड़ा सा जो है इसको भी माइनस की तरफ कर देंगे ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए। फिर हम जाएंगे डार्क ब्लू में। एंड उसके बाद यहाँ से अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप सैचुरेशन माइनस भी कर सकते हो, अदरवाइज चाहिए हो तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो इसका हम डन करते हैं, चलते हैं नीचे वाले टूल में। यहाँ से हम क्लियरिटी इंक्रीज़ करेंगे, इसमें हम विग्नेट डालेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से जो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमसे नीचे वाले टूल में जाकर शार्पनेस को बढ़ा देंगे, एंड नोटेशन को बढ़ा देंगे, एंड कलर नोटेशन को भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी फोटो जो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।